आज के निजामुल औकात में लोगों की समझ में नहीं आता कि इतनी मशगूल जिंदगी में ये मुसलमान पांच वक्त की नमाज पढ़ कैसे लेते। एक बार रेल के सफर में असर पड़ी, फिर मगरिब पड़ी, फिर ईशा पड़ी, तो सामने की सीट पर एक गैर मुस्लिम कपल, एक जोड़ा बैठा हुआ था। तो मर्द तो फिर भी अपनी बात को रोक लेता है, लेकिन वो जो हमारी भाभियाँ हैं, कुछ इसमें मसलहत है कि वो अंदर न रखें, तो वो कहने लगे, भाई साहब आप लोग रोज़ इसी तरह नमाज पढ़ते हैं, बार 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 बार। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र, कमाल है, हम लोग तो मंगल में भी मंदिर नहीं जा पाते, बच्चे का टेस्ट है और इम्तिहान है, स्कूल है, होमवर्क है, कुरान है, हाँ आप लोग बार बार। मैंने उनसे कहा कि जो बच्चा है ना आपकी गोद में, इसको दिन में कई बार आप देखते हैं? हाँ बार बार देखते हैं, और बच्चा है। मैंने कहा आपको बच्चे से मोहब्बत है, आप अपने बच्चे को बार बार देखती हैं ना, पड़ोस के बच्चे को तो नहीं देखती? हाँ बिल्कुल। तो यह किस्सा मोहब्बत का है, जब आपको अपने खुदा से ताल्लुक हो जाएगा, जैसे आपको अपने बच्चे से ताल्लुक है, तो आप बार बार उससे मिलेंगे। ये सुनना था कि उसकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगे मौलाना साहब ये तो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि उस खुदा से मोहब्बत की जाती। एक अजीब तरीका अल्लाह ने हमको दिया है अपने ताल्लुक को बढ़ाने का। अल्लाह ताला हमारी कमियों को दूर कर दे और नमाज की कदर। दोस्तों अल्लाह के बंदो अपनी नमाजों को बेहतर बना, दिन में एक बार मोहब्बत की दो रकत पढ़ लिया करो। नमाज इश्क, एक तो होती हैं वो नमाजें जो हम हुक्म की वजह से पढ़ते हैं, इन हुक्म की नमाजों, हुक्म वाली नमाजों को भी मोहब्बत वाली नमाजें बनाने का आसान तरीका यह है कि अपने इख्तियार और शौक से दो चार रकात मोहब्बत वाली पढ़ लिया करो। ये जो नफलें हैं ना, ये नफलें क्या हैं? ये एहसान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या प्यारा नुस्खा आपने दिया है कि तुम अपने इख्तियार से जब मोहब्बत वाली नमाज पढ़ोगे तो धीरे धीरे नमाज में शौक और ध्यान की तुमको आदत पड़ेगी, फिर ये शौक और ध्यान नफलों से फर्जों में भी मुंतकिल होगा। हमको तो नफलें बहुत बोझ मालूम होती, इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि जब ये पहलू हमारे दिल दिमाग में आएगा कि ओहो अब पता चला, अगर हम दो चार रकत नफल मोहब्बत की नियत से पढ़ लें कि अल्लाह ये मैं मगरिब की नमाज के बाद, और अब ये जो मैं चार रकत दो दो करके अवाबीन की नियत से नफलें पढ़ना खड़ा हो रहा हूँ, अल्लाह इसलिए खड़ा हो रहा हूँ कि मेरी अंदर आपकी मोहब्बत आ जाए, ये वाली नमाज मैं मोहब्बत में पढ़ रहा हूँ। धीरे 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 नमाज में एक कैफियत पैदा होनी शुरू हो,